राजस्थान भर में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की राय शुमारी के लिए सभी लोकसभा इलाकों में संवाद कर रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता के सिंह ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर आए हुए हैं। सर आज क्या माने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन क्या देंगे? और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है। तो आज जो कार्यकर्ता में उत्साह है, जो एकजुटता है, जिस प्रकार का संकल्प इन्होंने लिया है कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो उठ खड़ा हुआ है। सब नेता एकजुट है और हम लोकसभा चुनाव यहाँ से जीतेंगे। क्या कहेंगे, लगातार तीन बार अर्जुन मेघवाल है जो यहाँ पर विजेता रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आप लोगों की क्या ऐसी तरीका रहेगा जिसके तहत आप लोग चुनाव जीते? देख रहे हो ना, देख रहे हो, ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा और ये बीकानेर की बीजेपी की भाई सलटेगी। आपकी सरकार थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अंत में ये हुआ 100 दिवसीय कार्य योजना भजन लाल सरकार, क्या कहेंगे? हमने मजन मन से कह दिया कि बीती बातों को भूलो, आगे की सुध लो। लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तानाशाही आ गई है, इसको हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का लोकसभा चुनाव जिता करके इंडिया और बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर आपराधिक घटनाएं हो रही है। न माता बहनें सुरक्षित है, न आम आवाम सुरक्षित है। ऐसे में ये तो ट्रांसफर का खेल खेल रहे हैं, इसके अलावा इनकी बात करने के लिए कुछ नहीं है। देंगे किसान का कर्जा माफ कर देंगे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए तो जनता उठ खड़ी हुई है। और आज बीकानेर में बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ और ये भी कहा जा सकता है जहाँ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में और गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सभी यहाँ पर मौजूद रहे, बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। सभी ने संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी को हराने का। के सिंह, इवन टीवी, बीकानेर।